नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 19 दिसंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 19 दिसंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा और देखिए दोस्तों, लास्ट में हम घटनाचक्र से जो रिलेटेड एमपी करंट अफेयर है जनवरी 2022 का, तो उसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों सबसे पहले हम डेज का रिवीजन कर ले। तो 1 दिसंबर को हमने बनाया था विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस और टाटिया भील बलिदान दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ डे, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और 16 दिसंबर को विजय दिवस, 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक कार्य दिवस मनाया जाता है। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो दोस्तों इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्वीज होता है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम परस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। दोस्तों 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं और दोस्तों इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। शाम में 7 बजे इस क्वीज को आप डेली अपलोड कर देंगे। ठीक है, 7 बजे डेली अपलोड हो जाएगा क्वीज टेलीग्राम पर। तो दोस्तों आप भी इस क्वीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करके हम आज के करंट अफेयर। तो दोस्तों कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, मांडू फेस्टिवल का आयोजन 25 दिसंबर से लेकर दोस्तों 29 दिसंबर तक किया जाएगा। तो मांडू मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? तो ये है धार डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, धार डिस्ट्रिक्ट। और देखिए दोस्तों, मांडू को सादियाबाद अर्थात हर्षनगर के नाम से भी जाना जाता था और मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित मांडू का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? अब दुर्ग या मांडवगढ़ था। ठीक है, देखिए दोस्तों 13वीं शताब्दी में यहाँ पर परमार शासकों ने शासन किया था, उसके बाद मुस्लिम शासकों के अंतर्गत आ गया था ये। तो जो दिलवार खां का पुत्र था हुसंग शाह, तो इसने 1405 में अपनी राजधानी धार से उठाकर मांडू ले गया था। तो धार से मांडू राजधानी किसने ले गई थी दोस्तों? हुसंग शाह ने ले गई थी। कब ले गई थी? 1405 ईस्वी में ले गई थी। तो 1554 में बाज बहादुर ने मांडू पर शासन किया और इसने जहाज महल, रानी रूपमती महल, ढिंडोला महल का निर्माण करवाया। मांडू में स्थित महल है अशरफी महल है, दाई महल है, रानी रूपमती का महल है, जाज महल है, हिंडोला महल है। कौन रूपमती मंडप कहां पर स्थित है दोस्तों? तो ये भी मांडू में स्थित है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। बाज बहादुर महल भी कहां पर है दोस्तों? तो ये भी मांडू में है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था दोस्तों, ताजमहल किस नमूने के आधार पर बनाया गया था? तो किस नमूने के आधार पर बनाया गया था? मांडू में हुसंग शाह का मकबरा, तो इसके आधार पर बनाया गया था ताजमहल। माओ महल को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो हिंडोला महल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और दोस्तों डायनासोर पार्क भारत का पहला आधुनिक जीवाश्म पार्क है, जिसमें प्रदर्शन पर 24 अंडे और डायनासोर के अन्य जीवाश्म रखे गए हैं। और दोस्तों देश का पहला ऑनलाइन 3D डायनासोर म्यूजियम किस जिले में होगा? तो ये धार डिस्ट्रिक्ट में होगा। कि दोस्तों अभी जो रांची में आयोजित अंडर 15 नेशनल रेसलिंग टूर्नामेंट में इंदौर के पहलवान महेश राठौर ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी टूर्नामेंट ने उज्जैन के वीरेंद्र चौधरी ने कौन सा पदक जीता था? तो सिल्वर मेडल जीता था। और इंदौर के पहलवान महेश राठौर ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में 25 दिसंबर से 26 जनवरी तक आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा दोस्तों? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मध्य प्रदेश। दोस्तों अभी स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, किस जिले में 20 से 22 दिसंबर 2021 तक 3 दिवसीय निर्झरनी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा अलीराजपुर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अलीराजपुर। और देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था एमपीपीसी 2016 या 17 में चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म कहां पर हुआ था? उसमें अलीराजपुर ऑप्शन में नहीं था, क्या था ऑप्शन में? झाबुआ था। ठीक है दोस्तों, तो उसका आंसर झाबुआ हो गया था। उस टाइम जब उनका जन्म हुआ था दोस्तों, जब उसका नाम झाबुआ था। अब झाबुआ से अलग होकर अलीराजपुर कब बना था दोस्तों? तो ये बना था दोस्तों 2008 में। ठीक है, देखिए 2008 में हमारे मध्य प्रदेश के 2 नए जिले बनाए गए थे। कौन कौन से दोस्तों? तो एक अलीराजपुर बनाया गया था, ठीक है, और एक सिंगरौली बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, एक अलीराजपुर किस जिले से अलग होकर बना था? तो ये झाबुआ जिले से अलग होकर बना था। कब बना था दोस्तों? 2008 में। और सिंगरौली भी 2008 में बना था। ठीक है, किस जिले से अलग होकर बना था? तो सीधी से अलग होकर बना था। और दोस्तों यहां याद रखिएगा, जो सिंगरौली है ये हमारे मध्य प्रदेश का 50वां जिला है और अलीराजपुर कौन सा जिला है? 49वां। ठीक है, और अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र दोनों से बॉर्डर शेयर करता है। और जो झाबुआ है
वो राजस्थान और गुजरात दोनों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पर सिंगरौली, ये हमारे मध्य प्रदेश का 50वां जिला है, बनाया गया था 2008 में बनाया गया था, ये सीधी जिले से अलग होकर बना था और ये दोस्तों उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है और यहाँ पर सीधी भी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। अब दोस्तों बात करें हम हमारे मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा था, तो कौन सा दोस्तों, ये आगरमालवा था। किस जिले से अलग होकर बना था, शाजापुर से अलग होकर बना था और दोस्तों कब बना था, 2013 में बना था। और दोस्तों ये किस स्टेट के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, तो राजस्थान के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। हमारे मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा था दोस्तों, तो ये था निवाड़ी। ये किस जिले से अलग होकर बना था, टीकमगढ़ से अलग होकर बना था। कब बना था, 2018 में बना था, ठीक है। और 53वां जिला कौन सा प्रस्तावित है दोस्तों, तो ये उज्जैन और रतलाम में बनेगा, नागदा, नागदा प्रस्तावित है। यहाँ बात करें हम निर्झरनी महोत्सव 2021 की, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, अलीराजपुर में किया जा रहा है, ठीक है। दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो ये अलीराजपुर है दोस्तों। यहाँ पर 89% जो लोग है वो जनजाति समुदाय से है। तो याद रखिएगा प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है हमारे मध्य प्रदेश में, ये अलीराजपुर में है। जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो वो धार डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्यतः कौन सी जनजाति पाई जाती है, भील, भिलाला, बारेला, मानकर, धानक, कोटवाल जनजाति पाई जाती है। तो देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग और समन्वय से 3 दिवसीय निर्झरनी महोत्सव का आयोजन अलीराजपुर में 20 दिसंबर से किया जा रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में नदियों के प्रति धन्यता प्रकट करने और अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की स्मृति को समर्पित समारोह में 20 से 22 दिसंबर 2021 तक राजवाड़ा परिसर में महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और देखिए इसमें 20 दिसंबर को जनजातीय भगोरिया नृत्य, कोरकू जनजातीय गदली थापटी नृत्य, मालवा के लोक नृत्य, गोंड जनजातीय ढंडार नृत्य, गुजरात के राठवा जनजातीय नृत्य के साथ ही महानायक चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के स्वतंत्रता संग्राम में अवदान पर एकाग्र नाटक गगन दमामा बाजियों की प्रस्तुति मंडप सांस्कृतिक शिक्षा कला केंद्र रीवा द्वारा दी जाएगी। और देखिए दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो वो है भील जनजाति। और हमारे देश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी दोस्तों, तो गोंड जनजाति है, ठीक है। हमारे देश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील जनजाति है। और हमारे देश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ये गोंड जनजाति है। देखिए दोस्तों इसमें दूसरे दिन 21 दिसंबर को भील जनजातीय नृत्य, निमाड़ के लोक नृत्य एवं वनवासी लीला नाट्य भक्तिमती सबरी की प्रस्तुति होगी और तीसरे दिन 22 दिसंबर को भील जनजातीय नृत्य, भारे जनजातीय भड़म नृत्य एवं वनवासी लीला नाट्य निषादराज गुह की प्रस्तुति होगी। पर याद रखिएगा जो भगोरिया नृत्य है ये कौन सी जनजाति का प्रमुख नृत्य है, ये भील जनजाति का प्रमुख नृत्य है, ठीक है। और कोरकू जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है दोस्तों, तो ये चटकोरा प्रमुख नृत्य है। गोंड जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है, गोचो इसका प्रमुख नृत्य है। और जो भारिया जनजाति है इसका प्रमुख नृत्य कौन सा है दोस्तों, सैला, ठीक है, सैला प्रमुख नृत्य है भारिया जनजाति का। देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश की 3 पिछड़ी जनजातियां कौन सी है, तो ये भी बैगा, सहरिया और भारिया है, ठीक है। मध्य प्रदेश की 3 पिछड़ी जनजातियां कौन सी है, बैगा, सहरिया और भारिया है। और दोस्तों ये नृत्य जनजातीय समुदाय से रिलेटेड है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इंडिया टुडे समूह की ओर से इंडिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट्स कॉन्क्लेव 2021 में मोस्ट इंप्रूव्ड बिग स्टेट इन एग्रीकल्चर का पुरस्कार किस राज्य को मिला है दोस्तों, तो ये हमारे प्यारे मध्य प्रदेश को मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। और ये अवार्ड हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को दिया गया है, ठीक है। तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को इंडिया टुडे के सीनियर एसोसिएट एडिटर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ श्री राहुल नर्मना ने इंडिया टुडे समूह की ओर से इंडिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट्स कॉन्क्लेव 2021 में मोस्ट इंप्रूव्ड बिग स्टेट इन एग्रीकल्चर का पुरस्कार निवास कार्यालय में भेंट किया है। इंडिया टुडे द्वारा प्रतिवर्ष राज्यों को कृषि के क्षेत्र में 2 कैटेगरी में पुरस्कृत किया जाता है और यह श्रेणियां ओवरऑल बेस्ट तथा मोस्ट इंप्रूव्ड स्टेट इन एग्रीकल्चर है और मध्य प्रदेश को यह पुरस्कार कृषि से आय में वृद्धि के लिए नवीनतम तकनीकों को अपनाने और मंडी सुविधा को कृषकों के लिए सुलभ सरल बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है और मध्य प्रदेश को मोस्ट इंप्रूव्ड बिग स्टेट इन एग्रीकल्चर में लगातार 4थी बार यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो याद रखिएगा इसके पहले 2018, 2019 और 2020 में मिल चुका है इंडिया टुडे स्टेट ऑफ द स्टेट कॉन्क्लेव 2021 अवार्ड। यह अवार्ड अभी 4थी बार मिला है मध्य प्रदेश को।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता के स्तर को बताने वाले फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी इंडेक्स में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो ये मिला है 7वां स्थान। ठीक है, बड़े राज्यों में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है हमारे मध्य प्रदेश को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, 7वां। और देखिए पहला स्थान बड़े राज्यों में किसे मिला दोस्तों? पश्चिम बंगाल को मिला है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों हाल ही में बुनियादी साक्षरता और संज्ञात्मक सूचकांक यानी फाउंडेशनल लिटरेसी इंडेक्स जारी किया गया है। यह रिपोर्ट प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट को इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने तैयार किया है दोस्तों, और इस सूचकांक को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उत्तर पूर्वी प्रदेश। दोस्तों इसके तहत छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, जबकि झारखंड को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला बताया गया है। लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में और मिजोरम उत्तर पूर्वी राज्य श्रेणी में शीर्ष स्कोरिंग क्षेत्र है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में लद्दाख का, जबकि उत्तर पूर्वी श्रेणी में अरुणाचल प्रदेश का सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। मतलब यहाँ देखिए दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो उसमें सबसे ज्यादा लिटरेसी कहां पर है दोस्तों? लक्षद्वीप में है। सबसे कम लिटरेसी कहां पर है दोस्तों? तो वो लद्दाख में है। ठीक है, और बात करें दोस्तों हमारी जो सेवन सिस्टर स्टेट है यानी उत्तर पूर्वी राज्य है, तो उसमें सबसे ज्यादा लिटरेसी कहां पर है दोस्तों? मिजोरम में है। सबसे कम लिटरेसी कहां पर है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और बड़े राज्यों की कैटेगरी में दोस्तों पश्चिम बंगाल शीर्ष स्कोरिंग क्षेत्र पर रहा है। हमारा मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है? तो 7वें स्थान पर रहा है। ठीक है, और देखिए सूचकांक के बारे में देख लेते हैं। तो यह सूचकांक भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में बुनियादी शिक्षा की समग्र स्थिति पर आधारित है, और इस सूचकांक में 41 संकेतकों वाले 5 स्तंभ शामिल है। और ये 5 स्तंभ कौन कौन से दोस्तों? शैक्षणिक बुनियादी ढांचा, शिक्षा तक पहुंच, बुनियादी स्वास्थ्य, सीखने के परिणाम और शासन। तो देखिए दोस्तों, बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल फर्स्ट पे है, तमिलनाडु सेकंड पे है, महाराष्ट्र थर्ड पे है, कर्नाटक फोर्थ पे है, और गुजरात फिफ्थ पे है, राजस्थान सिक्स्थ पे है, और हमारा मध्य प्रदेश सेवन्थ पे है। और मध्य प्रदेश को कितने नंबर मिले दोस्तों इसमें? 38.69 नंबर मिले हैं। ठीक है, और दोस्तों बात करें हमारे मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले जिले कौन सा है? तो देखिए पहले नंबर स्थान पर कौन सा है? जबलपुर है, यहाँ की साक्षरता दर 81% है। सेकंड प्लेस पर है इंदौर, यहाँ की साक्षरता दर कितनी है? 80.9% है। और थर्ड प्लेस पर है भोपाल, भोपाल की साक्षरता दर कितनी है? 80.4% है। और न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो ये है अलीराजपुर, यहाँ की साक्षरता दर कितनी है? 86.1% है। सेकेंड प्लेस पर झाबुआ है, झाबुआ की साक्षरता दर है 43.3%। और बड़वानी की साक्षरता दर कितनी है? 49.1%। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला जिला देखिए, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? यह है इंदौर, सेकंड प्लेस पे है जबलपुर। ठीक है, वैसे लगभग सेम है इंदौर और जबलपुर की पुरुष साक्षरता दर। फिर थर्ड प्लेस पर है भोपाल। ठीक है, तो इंदौर की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 87.3% है। जबलपुर की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 87.2% है। और भोपाल की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 85.4% है। ठीक है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो पहले स्थान पर है अलीराजपुर, अलीराजपुर की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 42% है। झाबुआ की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 52.9% है। और बड़वानी की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 55.7% है। अब बात करें हम सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो पहले स्थान पर है भोपाल, भोपाल की महिला साक्षरता दर कितनी है? 87.3% है। और जबलपुर की महिला साक्षरता दर कितनी है? 87.2% है। और इंदौर की महिला साक्षरता दर कितनी है? 85.4% है। अब बात करें यहाँ पर न्यूनतम महिला साक्षरता प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो वो है अलीराजपुर। ठीक है, देखिए न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो वो है अलीराजपुर। यहाँ की महिला साक्षरता दर कितनी है? 30.3% है। और सेकंड प्लेस पे है झाबुआ, झाबुआ की महिला साक्षरता दर कितनी है? 83.8%। और बड़वानी की महिला साक्षरता दर कितनी है? 42.4%। और दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, देखिए जो मध्य प्रदेश की पुरुष एवं महिला साक्षरता में अंतर है वो सबसे अधिक किस दशक में हुई थी, तो वो हुई थी 1981 में। ठीक है, याद रखिएगा 1981 में 29.4% थी। ठीक है, पुरुष एवं महिला साक्षरता में अंतर। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जाति साक्षर वाला जिला कौन सा है, तो वो है बालाघाट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्मोत्सव 2022 यानी CFF 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा दोस्तों? तो ये किया जाएगा हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, भोपाल में। और देखिए दोस्तों, इसका पहला जो आयोजन है 2016 में कहां पर किया गया था? ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में किया गया था। ठीक है, पहला इंदौर में किया गया था। महोत्सव 2 साल के अंतराल में किया जाता है, तो जो 2016 का किया गया था वो तो इंदौर में हो गया है ना। फिर उसके बाद 2 साल के बाद 2018 का कहां पर किया गया था दोस्तों? हमारे देश की राजधानी दिल्ली में किया गया था। उसके बाद 2020 का कहां पर किया गया दोस्तों? कर्णावती गुजरात में किया गया था। और 2022 का कहां पर किया जाएगा दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, भारतीय चित्र साधना के चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्मोत्सव 2022 का आयोजन 18 से 22 फरवरी 2022 तक भोपाल में किया जा रहा है। और भारत भवन में 19 दिसंबर को फिल्म फेस्टिवल से जुड़े ऐप का लोकार्पण किया जाएगा दोस्तों। इस अवसर पर भारतीय सिनेमा इंटरनेट OTT भविष्य की दिशा विषय पर परिसंवाद भी होगा। और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और संस्कृति पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला है। और देखिए दोस्तों, चित्र भारती राष्ट्रीय लघु फिल्मोत्सव 2022 है, तो ये उत्सव का कौन सा संस्करण है दोस्तों? 4th संस्करण है। तो याद रखिएगा, 4th संस्करण कहां पर होने वाला है? भोपाल में होने वाला है। पहला कहां पर हुआ था? तो ये हमारे मध्य प्रदेश में ही हुआ था, इंदौर में 2016 में किया गया था। ठीक है, 2018 का दिल्ली में हुआ था, 2020 का कहां पर हुआ था? तो ये गुजरात में हुआ था। तो अब घटना चक्र वाला करंट अफेयर कर लेते हैं। तो देखिए, 1200 करोड़ रुपए की लागत से सिवनी में लिथियम बैटरी निर्माण उद्योग स्थापित होगा, और यह देश में पहला ऐसा उद्योग होगा जहां लिथियम बैटरी का निर्माण होगा। तो किस जिले में दोस्तों? सिवनी में। किस बैटरी का निर्माण? लिथियम बैटरी का निर्माण उद्योग स्थापित होगा। और दोस्तों, ये देश का पहला ऐसा उद्योग होगा जहां पर लिथियम बैटरी का निर्माण होगा। दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश का दूसरा बरगद पार्क कहां पर होगा दोस्तों? तो ये होगा अहमदपुर नर्सरी में बन रहा है। ठीक है, और ये कहां पर है दोस्तों? हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। ठीक है, और पहला कहां पर है दोस्तों? तो ये इंदौर में है। ठीक है, टोक्यो पैराओलंपिक, मध्य प्रदेश की प्राची यादव टोक्यो पैराओलंपिक कैनो स्प्रिंट की महिला सिंगल्स के 200 मीटर VL2 स्पर्धा में मेडल से चूक गई और वह फाइनल में 8वें स्थान पर रही। पिंक बस की महिला ड्राइवर रितु नरवाले और अर्चना कटारे प्रदेश की पहली महिला बस ड्राइवर बन गई दोस्तों। राज्य शासन ने मध्य प्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं कार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी को राज्य शासन के मंत्री का दर्जा दिया है दोस्तों। बेटियां छुएंगी आसमान सुकन्या समृद्धि योजना में 18,005 बेटियों को सुकन्या समृद्धि योजना से जोड़ा गया है, और योजना के प्रारंभ से अब तक 37,500 बेटियों के खाते खुलवाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश स्थान पर रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियां हिंद महासागर में मिलती है या अरब सागर में जाती है या बंगाल की खाड़ी में जाती है या दूसरी नदियों में मिल जाती है? तो दोस्तों, ये दूसरी नदियों में मिल जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों, ये MPPSC 2010 में पूछा भी गया था। देखिए, आप मैप में देख सकते हो, हमारे मध्य प्रदेश की जो ज्यादातर नदियां है ना, ये यमुना नदियों में मिल जाती है ना, या तो यहाँ पे दूसरी नदियों में, छोटी नदियां जो है ये दूसरी नदियों में मिल जाती है। मात्र एक ताप्ती नदी जो है दोस्तों, ये मुलताई से निकलती है, और जो नर्मदा नदी है ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक किस डिस्ट्रिक्ट में है दोस्तों? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और ताप्ती नदी जो निकलती है मुलताई से निकलती है, और मुलताई किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों? बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खनिज नीति किस वर्ष घोषित हुई थी? 1995 में, 1999 में, 2004 में या 2005 में? ये MPPSC 2016 में पूछा गया था। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। और दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और देखिए, कल जो सबसे अच्छा आंसर देगा तो उसका नाम मैं यहाँ पर लूंगा। ठीक है, तो ज्यादातर लोग सबसे अच्छा आंसर देने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।